हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी पीसी या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज का न्यू वर्ज़न इंस्टॉल करेंगे। अभी सभी के पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज का ओल्ड वर्ज़न इंस्टॉल्ड है। ये देखिए, मेरे पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज का ओल्ड वर्ज़न इंस्टॉल्ड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड कर लें और सेटअप फाइल को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें। सेटअप फाइल मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है, तो इसे मैं अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसे इंस्टॉल होने में 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद आपसे एक परमिशन मांगेगा, उसे यस कर दें। कुछ ही देर में आपके पीसी में माइक्रोसॉफ्ट का न्यू न्यू वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसका न्यू लोगो भी है। इंस्टॉल होने के बाद इसे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करें। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का न्यू लुक स्मूथ है, ये स्मूथली रन करता है। अब आपके पीसी में अगर पहले से माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। हेल्प एंड फीडबैक में जाएं आप और अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वॉच को ओपन करें। उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स कुछ देर के लिए चालू हुआ। अगर कोई अपडेट होगा तो अपडेट कर देगा। उसके बाद आपके रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, जिस पर आप क्लिक कर दें तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट रिस्टार्ट हो जाएगा और लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप अब माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।